नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। इस समय पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को जिस तरह से तबाह किया है और किस हाल में किसान है, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत जी। इंद्रजीत जी, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। ये जो अभी ओलावृष्टि हुई है, इससे किसानों का किस तरह से नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ आप लोगों ने जो देखा है उसके बारे में बताइए। ये बेमौसमी बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं और ओले भी गिरे हैं बहुत सारी जगहों पे। नुकसान का आकलन अभी इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी भी हो रहा है, आज ही सिरसा में भी ओले गिरे हैं मतलब। और जो तेज हवाओं से फसल गिरी है, खास तौर पे गेहूं की, सब्जियों का भी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से। और वैसे तो उसमें सही सही आकलन तभी हो पाएगा जब एक बार या तो मौसम ये सामान्य हो जाए और एक विशेष गिरदावरी सरकार को करवानी पड़ेगी जो वास्तविक नुकसान का जायजा ले। और वो तभी संभव है जब गांव के लोगों को साथ लेकर वो गिरदावरी की जाए और खेतों को देखा जाए। और दूसरी बात ये है कि ये असल में ऐसे मौके पे नुकसान हुआ है जब किसान की पूरी लागत लग चुकी थी। अब तो फसल कटाई के बिल्कुल बिंदु पे आके खड़ी थी और उसकी जो है हार्वेस्टिंग होनी थी, कटाई होनी थी, सरसों की भी और गेहूं की भी। सरसों का पहले भी नुकसान हुआ है पाला गिरने से, फ्रोस्ट जिसको हम कहते हैं, ठंड के मौसम में, ठंड के समय पे। और अब जो कटी हुई थी, गिरी हुई है, उसका भी नुकसान है। तो ये इसलिए ज़्यादा नुकसान है, शुरू में हो जाए चलो उसमें उतनी, चाहे मान लो बीज का लगा लो या सिंचाई का लगा लो या मजदूरी का लगा लो या उसके ऊपर स्प्रे करने का, दवाइयों का या खाद का लगा लो, वो तो सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका। और एक हिस्सा किसानी का ऐसा भी है जो जमीन वाले से ठेके पर लेकर खेती करता है, वो खुद या तो बहुत छोटा सा किसान है या गैर जमीन वाला है, भूमिहीन, उसके लिए तो और भी ज़्यादा ये मतलब बर्बादी का सबब बन गया। क्योंकि वो आधा आधा खर्चा तो वो दे चुका होता है पहले ही जमीन वाले को और आधा उसको देना पड़ेगा। और दिक्कत की बात ये है कि उसके लिए कोई किसी तरीके की मतलब छूट नहीं है कि भी फसल बर्बाद हो गई है तो जिसकी जमीन है वो उसको माफ़ कर देगा, उसके लिए ऐसा भी नहीं है। ये ऐसा तबका है, 30% है, 40% है अंदाजा, उसका कोई किसी तरीके की वैधानिक सुरक्षा नहीं है कि भी जो ऐसे ठेके पर खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई कानून बना के। कई बार होता ये है कि मुआवजा भी जो मिलता है वो भी इनको मिलने की बजाय उसको मिल जाता है, जमीन के मालिक को मिल जाता है, जमीन का मालिक है, क्योंकि इंतकाल और गिरदावरी उसी के नाम से होती है, तो उनकी और भी ज़्यादा दिक्कत पैदा हुई है। इसलिए दो तरीके का है, एक तो जो मुआवजा वो है जो सरकार फसल खराबे का देती है, वो अलग अलग दृष्टि से वो 25% से ऊपर होता है तो वो देती है, नहीं तो नहीं देती। कई बार जानबूझ के अधिकारी जो है वो 25 से कम नुकसान दिखा देते हैं। हम तो किसान सभा की तरफ से इसी संघर्ष में लगे रहते हैं बहुत बार, तो कि ठीक ठीक खराबा जो है वो दिखाया जाए और लिखा जाए। दूसरा ये है कि तीन तीन चार चार साल हो गए फसल खराबे के मुआवजे लटके पड़े हैं, कई मंजूर हो चुके तो खातों में नहीं डाले जा रहे हैं। ये इस प्रकार की एक स्थायी समस्या बनी हुई है और सरकार इसमें संवेदनहीन है। दूसरा ये है कि जो प्राइवेट कंपनियां जो फसल बीमा के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके तहत जो काम कर रही हैं, उसमें अनेक तरह की अनियमितताएं और फर्जीवाड़े हो रहे हैं। वो कमा ज़्यादा रहे, मनमर्जी के प्रीमियम लगा देते हैं और वो भी
क्रॉप कटिंग का सही सही आकलन करके और किसान को देने के लिए इतनी आसानी से क्लेम्स को ऑनर नहीं करते। तो हमारा ये है कि फसल बीमा की जो योजना है उसको भी सरल बना के और बिना प्रीमियम के आप उसको किसान को सरकारी कंपनियों से करवाएं, सबसे बेहतर वो रहेगा। अभी आपने फसल बीमा की बात की, इस पर आएंगे बाद में। पहले हम ये समझना चाह रहे हैं जो खासकर आपने जो बताया, एक तबका जो ठेके पे किसानी करता है या दूसरे की ज़मीनों पे किसानी कर रहा है, और हरियाणा राज्य में बताया गया जो पिछले साल भी धान की फसल या गेहूँ की फसल में कुछ नुकसान हुआ था, तो ये जो बेमौसम बारिश और इससे जो बर्बादी हो रही है किसान का, इसका उसके पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या पड़ रहा है इस समय, उसके बारे में? खर्चा जैसे मैंने कहा लग चुका उसका, कर्जे भी उठा के लगाया है तो जो पहले से कर्जे में और भी ज़्यादा कर्जदार बन जाएगा। और जिस ठेके के किसान की मैं बात कर रहा हूँ उसके एक पक्ष और भी है कि जो किसान सम्मान निधि मिलती है 6,000 रुपये वाली, वो भी उसको तो नहीं मिल रही है क्योंकि उसके नाम से ज़मीन नहीं है, तो उसका भी किसी को मतलब ध्यान उस तरीके से नहीं है, उसके हित को कैसे संरक्षित किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सरकार जो मुआवजे के रूप में तो दे ही, लेकिन उसकी जो कर्जे की किस्तें हैं वो भी रोक देनी चाहिए तुरंत प्रभाव से, बिजली के बिल भी तुरंत प्रभाव से उसके रोक देने चाहिए, और दूसरी तरीके की भी राहत जो उनको प्रदान किए जाने की ज़रूरत है, आने वाली फसल की जो बिजाई होगी उसके लिए भी उनको बिना ब्याज के कर्ज आसानी से उपलब्ध करवा दिए जाए। इस प्रकार से कुछ मदद फौरी तौर पर करनी पड़ेगी और जो मुआवजा है वो तो निश्चित तौर पर दिया ही जाना चाहिए। तो अब ये क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज़ बन गई है जो स्थायी जोखिम खड़ा हो गया किसान के लिए तो फसल उगाने में। अब देखो कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है केवल, अब तो सबको पता है कि जलवायु परिवर्तन किन कारणों से हो रहा है, जो विकास का जिस तरीके का मॉडल अब अडॉप्ट किया हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो अधिक अति विकसित देश हैं वो इसको पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी उसके लिए उठाने को तैयार नहीं है, वरना तो इसको सुधार के लिए उनको कंपनसेशन देना चाहिए। वो लड़ाई लेकिन चली रही है वो मनमर्जी से, ये तो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा डिबेट बना हुआ है, स्थायी समस्या बन गई है। तो कृषि के लिए और काश्त के लिए, किसानों के खेत मजदूरों के लिए भी देखो, क्योंकि वो भी कृषि पर ही निर्भर है। अब मुआवजे जो मिलते हैं खेत मजदूर को किसी तरीके से नहीं दिया जाता, तो ये भी एक हमारी मांग है कि उनको भी मतलब रोजी रोटी के लिए एक आर्थिक इमदाद किसान के साथ साथ दी जानी चाहिए। इसके साथ जो फसल बीमा वाली आपने बात कही, इसमें हमने कई किसानों से बात करी, तो सबसे बड़ा समस्या है जो इसका जो इसकी जो तरीका जिस तरह से वो क्लेम करना है वही किसानों के लिए बड़ी जटिल समस्या बन गई है। तो इस फसल बीमा को लेकर किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि फसल बीमा ही है जो इतनी समस्याएं आपने बताई उससे निदान के लिए ही फसल बीमा योजना बनाई गई थी, जिससे किसानों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो पाए, लेकिन क्या हो पा रही है उससे और उसमें क्या तकलीफ हो रहा है? ऐसी हालत कर दी है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा इस नाम से एक सिस्टम चला दिया कि आपको पोर्टल पे डालनी पड़ेगी कि आप हर किसान को कि उसने कौन सी फसल कितने इलाके में बेच दी, और अब वो कह रहे हैं कि जो भी फसल का नुकसान हुआ है वो 72 घंटे के अंदर अंदर आप पोर्टल पे डालो अपना नुकसान। अब कितना किसान कवर होता है इसके साथ इंटरनेट से, और वो 72 घंटे में कितने अपने नुकसान की रिपोर्टिंग वहाँ पे कर देगा, और ख़ासतौर पे ऐसे मौके पे जबकि पिछले 10-12 दिन से नुकसान तो लगातार चल ही रहा है, तो 72 घंटे का कोई अर्थ नहीं बचा। यही स्थिति फसल बीमा के अंदर भी इस प्रकार की बनी हुई है, और कोई भी जो प्रशासन है और सरकार है उनकी एक तरीके से मिलीभगत है उन कंपनियों के साथ। इस तरह की भी जानकारियां मिली है कि उन्होंने अधिकारी को रिश्वत दे दी, मान लो किसी को वो तो 50-40 लाख रुपए भी दे देंगे तो कई करोड़ का जो है वो उसके अंदर गोलमाल उसकी मदद से करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल ऐसा है फसल बीमा का जो निजी हाथों में जाने के बाद जिससे हमें मतलब जूझना पड़ रहा है, और ये महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में
किसान आंदोलन के सामने खड़ा है, क्योंकि इसको फसल बीमा को क्लेम को लेकर ही हालांकि सरकार प्रचार करती है जो हम मात्र बहुत मामूली रकम में किसानों को राहत दे रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष ये है सरकार उनको बहुत बड़ी मोटी रकम प्राइवेट कंपनियों को देती है जिसके मुआवजे में मिल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अगर हम अगर देखें इस स्थिति में भी किसानों के एक बड़ा सवाल ये बन जाता है जो फसल बीमा ना मिलने के कारण वो किस तरह से कर्ज के दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि अगली फसल के लिए उनको बुआई के लिए पैसा नहीं बचता और पिछली फसल का उनका नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए लोन लेना पड़ता है। इन सारी स्थितियों में किसान सभा जो लगातार हम राजस्थान में देखें चाहे महाराष्ट्र में देख रहे हैं चाहे आप हरियाणा में भी ले लीजिए जो फसल बीमा के सवाल को लेकर लगातार लड़ती रही है, तो इसके इस हाल में जो अभी वर्तमान मौसम का हाल बना हुआ है जिस तरह लगातार नुकसान होता जा रहा है, इस दौर में किसान सभा सरकारों से क्या मांग करती है और किस तरह की व्यवस्था आप लोग चाहते हैं जिससे किसानों की और बेहतरी हो और उनके नुकसानों की भरपाई की जा सके? अब जो कह रहे हैं कि भी किसान को तो मामूली 1.5% 2.5% ही डालना पड़ता है और बाकी जो है वो राज्य और केंद्र की सरकारें प्रीमियम के रूप में देती हैं। सवाल तो ये है कि वो पैसा भी तो हमारा ही है, वो कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं मिनिस्टर या कोई और लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको बहुत ही मतलब किसान हितैषी फसल बीमा योजना बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें क्योंकि किसान जो खेती कर रहा है ना बुनियादी तौर पे समझना चाहिए वो अपने मुनाफे के लिए नहीं कर रहा है। जैसे आप कोई इंडस्ट्री लगा लेते हैं आपका मुनाफा नहीं हो रहा है तो आप तो बंद कर देंगे उसको और किसी और लाभ की जगह निवेश कर देंगे। किसान इसको बंद थोड़ी कर सकता है, वो मतलब घाटे में भी उसको चला रहा है क्योंकि ये पूरे देश के लिए खेती करनी पड़ रही है उसको, तो वो खेती जारी रख सके ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, नहीं तो देश नहीं चल सकता। और उसकी बन सकती है तो उसके ऊपर निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो निवेश तब बढ़ेगा जब कॉरपोरेट सेक्टर और जो इनकम वाले तबके हैं आप उनके ऊपर लगाइए ना मतलब टैक्स बढ़ाएंगे तभी उसका संसाधन मिल पाएंगे। इसलिए फसल बीमा योजना इस तरीके से किसान हितैषी बनाई जाए जिसमें फूल प्रूफ सिस्टम हो और उसका आकलन करने का जो सिस्टम विकसित किया जाए उसमें किसानों की भी हिस्सेदारी जरूरी है, भागीदारी, तभी जाके कोई बेहतर ढंग से मतलब वो कंपनसेट हो पाएगा, नहीं तो वो कर्ज के नीचे दब दब के और उसकी इसी तरीके से दुर्दशा होती रहेगी। यही एक बड़ा कारण जो किसान आज अलाभकारी एक व्यापार है व्यवसाय बनता जा रहा है। और वो जो लाभकारी मतलब जिसको हम C2+50% के आधार पर मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आकलन करके लागत मूल्य का और फिर उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए, वो मांग तो खड़ी है अभी महत्वपूर्ण ढंग से, वो किए बगैर बहुत मुश्किल है किसान की खेती को मतलब वहनीय बनाए रखना, वायबल। अभी आप लोग लगातार पूरे राज्य में दौरे पर हैं 5 अप्रैल की रैली को लेके, इस दौरान ही ये सारे नुकसान की लगातार बढ़ता जा रहा है, आज भी बारिश हो रही है कल भी बारिश हुई थी जिस तरीके से, तो इस दौरान किसान आपसे लगातार दबाव डाल रहे होंगे हमारी ये मांग जो है नुकसान इसकी भरपाई के लिए, तो 5 अप्रैल की डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड है, क्या उसमें आप लोग इसको शामिल करने जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार के पास क्या मेमोरेंडम डिमांड रखने वाले हैं आप लोग? पहले भी वो शामिल है ऑलरेडी हमारे मांग पत्र में और अब तो हमें मतलब नंगी आंखों से नजर आ रहा है, किसी को हमें कहने की जरूरत नहीं कि हमारी मांग उठाओ, हम तो पहले ही उनका जो मातम छाया हुआ है उसमें भी हम शामिल हैं, अफसोस प्रकट करते हैं और वास्तव में इसकी मांग निरंतर तौर पर हम कर भी रहे हैं। और अब 5 अप्रैल की जो बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है उसमें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से इन मसलों को हम उठाएंगे और किसानों से खेत मजदूरों से सबसे हम ये अपील करते हैं कि वो भी बड़ी से बड़ी संख्या में उसके अंदर हिस्सा लें ताकि उनके अधिकारों की बात को आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद आपने न्यूज़ क्लिक को इतना समय दिया। ओके धन्यवाद। आपने अभी सुना इंद्रजीत जो किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा के किसान नेता के तौर पे पहचाने जाते हैं, इन्होंने जिस तरह से बताई जो फसल नुकसान किस तरह से हुआ है और किसान किस तरह से आर्थिक बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, इससे निपटने के लिए सरकारों को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जो अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए इनकी बड़ी मांग है सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दे और इनके लिए बेहतर नीति बनाए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।